कुछ जगहों पर यह मिलता है कि हनुमान जी की मृत्यु हुई थी, क्या यह सच है, जिन्हें भगवान श्री राम ने अंत तक सृष्टि पर सशरीर रहने का वरदान दिया था। लेकिन उड़िया भाषा के विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन मृत्यु के 6 महीने बाद वह पुनः जीवित हो गए थे। चलिए जानते हैं विलंका रामायण के इस कथा को। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी अगली वीडियो भी आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। इस कथा में मिलता है कि एक बार भगवान श्री राम विलंका राक्षस राज सहस्रशिरा का वध करने के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब भगवान श्री राम वापस नहीं लौटते तो माता सीता काफी परेशान होती है और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजती है। जब हनुमान जी भगवान श्री राम की खोज करने के लिए विलंका पहुंचे तो वहां राक्षस राज की परेशानियां देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें भगवान श्री राम का पता नहीं चल पाता है। इसके बाद वह राजभवन से निकलकर नगर में भगवान श्री राम की खोज में निकलते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष्णु का सरोवर था, वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जलना पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। जब हनुमान जी उत्तरी द्वार में पहुंचे और भगवान श्री राम के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई और उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री राम के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। हनुमान जी ने जल पान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब काफी दिन बीत गए, ना ही भगवान श्री राम का पता चला और ना ही हनुमान जी का। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। तब पवन देव भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। तब सभी ने मिलकर हनुमान जी को ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने पर बृहस्पति देव को हनुमान जी के बारे में पता चला और उन्होंने बताया कि विलंका में हनुमान जी की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही पवन देव काफी दुखी हुए और उन्होंने पूरे संसार की हवा रोक दी, जिससे सारे जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह स्थिति देखकर सभी देव ने पवन देव से कहा कि उनके पुत्र को वह पुनः जीवित कर देंगे, लेकिन आप अपना क्रोध शांत कर लें। इसके बाद सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे। यह कथा उड़ीसा भाषा के विलंका रामायण में मिलता है, जहां हनुमान जी मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुए। इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलना। जय बजरंगबली।